वेलकम टू एंड्रॉइड लर्निंग क्लास। मैं रीति शर्मा आपको इस सेशन में सिखाऊंगी कि कैसे हम SQLite ओपन हेल्पर क्लास हमारी करंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमने जो ये प्रोजेक्ट चुना है इस डेमो क्लास SQLite डीपी हेल्पर क्लास के लिए, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाली हूँ जिसमें हम रिकॉर्ड रन टाइम इंसर्ट करके लिस्ट व्यूअर से डिस्प्ले कराएंगे। तो जो ये डेटाबेस रहेगा, इस डेटाबेस में हम टास्क डेटाबेस बनाने वाले हैं जिसमें आप डाल सकते हैं अपनी टास्क, जो भी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है टास्क लिस्ट, और उस टास्क में जो टास्क की आईडी रहेगी और टास्क की डिटेल, ताकि फ्यूचर में अगर आप देखना चाहें कि आपको आज के डेट में कितनी टास्क, टू डू लिस्ट जो होता है हमारा, टू डू लिस्ट में कितने टास्क होते हैं, वो आप उसको देख कर उसको ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम एक टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे। डेटाबेस डिजाइन करने के लिए आप अपने जावा क्लास में जाइए, पैकेज सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम क्रिएट करेंगे नई जावा क्लास फाइल। इस क्लास फाइल का नाम आप अपने डेटाबेस का नाम जॉब पर रहेगा वो देंगे, तो हम इसका नाम देंगे डीबी हेल्पर क्लास, डेटाबेस हेल्पर क्लास। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो SQLite है उसको, उस क्लास का नाम है SQLite ओपन हेल्पर क्लास, इसलिए इसे डीबी हेल्पर क्लास नाम दे रहे हैं ताकि यूजर जब इस क्लास को देखे तो समझ में आ जाए कि हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं। फिर आप क्रिएट करेंगे इसे चाइल्ड क्लास SQLite ओपन हेल्पर क्लास की, तो हम यूज करेंगे एक्सटेंड कीवर्ड, फिर SQLite ओपन हेल्पर क्लास हमें यहाँ कॉल करना पड़ेगा। SQLite ओपन हेल्पर क्लास, जब आप इस क्लास को कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू में आपको एरर देता है रेड कलर की, तो इस स्मॉल रेड आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा कि आप मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना भूल चुके हैं, तो हम इसे क्लिक करेंगे इम्प्लीमेंट्स मेथड्स पे। जब हम इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमें कहेगा कि हमें ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड मेथड जो हमारे पेरेंट क्लास की है उसे ओवरराइड करना है हमारी चाइल्ड क्लास में। उसके बाद एरर नहीं गई है, फिर आप जब एरर दोबारा चेक करेंगे कि आप क्या चीज मिसिंग है, तो हमें देखेंगे कि हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना भूल चुके थे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे हमारी एप्लीकेशन का कंस्ट्रक्टर और उसके बाद ओके। इस तरीके से हमने एक SQLite ओपन हेल्पर क्लास को क्रिएट कर लिया एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। हमारी डेटाबेस क्लास का नाम है डीबी हेल्पर क्लास, और जब भी ये क्रिएट होती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दो मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है जो है ऑन क्रिएट और ऑन अपडेट मेथड। ऑन क्रिएट मेथड बेसिकली यूज होती है जब आपको डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो ये मेथड कॉल होती है जब हम डेटाबेस क्रिएट हो चुका होता है और आपको उसके अंदर टेबल क्रिएट करनी होती है। डेटाबेस के अंदर जब आपको टेबल क्रिएट करनी होती है तो ये डेटाबेस को कॉल करके वहां डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ऑन अपग्रेड मेथड कॉल होती है जब आप अपने टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं या अपने डेटाबेस में कोई नया कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं, तो ऑन अपग्रेड मेथड कॉल होती है। तो अब हम कोडिंग करके देखेंगे कि सपोज अगर आपको इस सिनेरियो में हमें टू डू लिस्ट के एप्लीकेशन में अगर एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम है डेटाबेस टास्क, तो वो इस डेटाबेस में हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्लोबल वैल्यूज डिफाइन करती हूँ हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। पहली ग्लोबल वैल्यू रहेगी, जो स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी वो रहेगी डेटाबेस नेम, टेबल नेम, टेबल आईडी, जो कॉलम नेम रहेंगे उनके लिए और वर्जन नेम के लिए। तो हमारा जो डेटाबेस नेम होगा वो होगा टेबल टास्क डीबी, उसको आप क्रिएट करेंगे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, फिर
हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग, फिर हम यहाँ क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग क्लास एंड देन हमारा डेटाबेस नेम। अब आपका डेटाबेस नेम जो है वो हम यहाँ टाइप करेंगे, तो हमारा डेटाबेस नेम है task.db। हमने यहाँ एक स्ट्रिंग क्रिएट किया डेटाबेस का नेम है। आप सेकेंड स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे डेटाबेस वर्जन के लिए, वर्जन जो होता है वो उसका टाइप होगा इंटीजर और हम यहाँ पे वैल्यू देंगे 1 क्योंकि फर्स्ट टाइम हम यहाँ डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट फील्ड हम क्रिएट करेंगे हमारे टेबल नेम, तो हमारी टेबल नेम होगी टास्क टेबल। उसके बाद जो टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी होगी तो हम उसके कॉलम्स क्रिएट करेंगे। कॉलम हमारा होगा आईडी, इसमें इसकी वैल्यू जाएगी आईडी नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे टास्क नेम के लिए। और यहां पे हमारी वैल्यू होनी चाहिए नेम। इस तरीके से हमने अपनी डेटाबेस का नाम डिफाइन किया टास्क डीबी, टेबल का नाम होगा हमारा टास्क, कॉलम आईडी है आईडी और कॉलम नेम है नेम। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग्स वैल्यू क्रिएट कर चुकी है, अब हमें क्रिएट करना है एसक्यूएलाइट स्टेटमेंट जिसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल सर्वर में हम क्वेरी यूज करते थे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम एंड द उसका टाइप, कॉलम नेम की टाइप्स और उसके बाद उनकी वैल्यूज। सिमिलरली एंड एसक्यूएलआई डेटाबेस में भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बट यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है। तो जब आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्वेरी तो क्वेरी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट। इस तरीके से हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा इक्वल टू यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। तो पहले हम देंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग रहेगी कि आपको टेबल क्रिएट करनी है उस टेबल का नाम क्या है। तो हमारी टेबल का नाम है टेबल टेबल अंडरस्कोर नेम। फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू पास करनी है कि आपके टेबल में कितने कॉलम होंगे। तो यहाँ पे हमें हमारे कॉलम नेम देने हैं, तो आपका जो पहला कॉलम होगा जो आपके पहले कॉलम की वैल्यू होगी वो हम प्लस ऐड करके यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जो पहला कॉलम है हमारा कॉलम आईडी वो ऐड होगा। जो कॉलम आईडी है डिफॉल्ट ये हमारा प्राइमरी की होगा और ऑटो जनरेटेड होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे कि ये इंटीजर है, उसके बाद ये प्राइमरी की है और
ऑटो इंक्रीमेंट है ये। तो आपने ये क्वेरी लिख ली, इसके बाद हम कॉमा करके इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम होगा वो है प्लस कॉलम नेम। कॉलम नेम हमारा सेकेंड है और इसका जो टाइप है वो है आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे टेक्स्ट और नॉट नल, ताकि इसमें नल वैल्यूज इंसर्ट ना हो। और आप इसके बाद आपका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम लेंगे सेमी कॉलम कि हमारी स्ट्रिंग फिनिश हो चुकी है, और उसके बाद फाइनल सेमी कॉलम। तो इस तरीके से हमने क्वेरी क्रिएट करी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम आईडी और कॉलम नेम। जब हम ये करेंगे तो हमारी एक टेबल क्रिएट होगी डेटाबेस में, जिसका नाम होगा टास्क, जिसके कॉलम आईडी होंगे आईडी और नेम, और डेटाबेस का नाम होगा टास्क डॉट डीबी। अभी हमने सिर्फ स्ट्रिंग फील्ड्स क्रिएट करी है। अब हमें इस कंस्ट्रक्टर जब भी फर्स्ट टाइम हमारे इस क्लास का कॉल होगा तो वो आपकी डेटाबेस को क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम इस कंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक पैरामीटर पास करेंगे जो आपका होगा करंट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम तीन वैल्यू पास करेंगे यूजिंग सुपर कीवर्ड। फर्स्ट वन इज योर कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड वन इज योर डेटाबेस नेम। हमें कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है, तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सबसे पहले वो डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। उसके बाद नल और वर्जन, अगर आपके डेटाबेस का वर्जन जो भी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जैसे ही आप डेटाबेस डीबी हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले वो आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा यूजिंग दिस सुपर कीवर्ड इस कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे हमारी टेबल इनसाइड ऑन क्रिएट मेथड। जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर तो फिर ये कॉल करेगा ऑन क्रिएट मेथड, और ऑन क्रिएट मेथड में हम क्रिएट करेंगे हमारी टेबल को। टेबल क्रिएट करने के लिए एक कमांड होती है हमारे पास db.execute। तो यहाँ पे जो डेटाबेस रहता है SQLite डेटाबेस, इस SQLite डेटाबेस को ऑब्जेक्ट को आपको कॉल करना होगा और .execute जो SQL कमांड होती है ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट करती है जो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखी है। इस एग्जीक्यूट कमांड के थ्रू हम हमारे टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है टास्क। इस तरीके से ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। ऑन अपग्रेड मेथड में भी हम अपग्रेड मेथड कॉल करते हैं अगर आपका डेटाबेस अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर कॉल करेंगे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट डॉट एक्सक्यूट सीक्वल, और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे कि ड्रॉप टेबल, आपकी टेबल को ड्रॉप करके अगर कोई चेंजेस है तो वो न्यू टेबल क्रिएट करे। ड्रॉप टेबल एग्जिस्ट, और उसके बाद अगर आपको कोई टेबल का जो आपका टेबल का नेम है वो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। हमारी टेबल का नेम है टेबल नेम, तो अपग्रेड करते वक्त अगर ये टेबल है तो ये उसे वहां पे ड्रॉप कर देगी। और इसके बाद हम फिर से कॉल करेंगे ऑन क्रिएट मेथड ताकि हमारी फिर से न्यू टेबल क्रिएट हो जाए इन केस अगर वो ड्रॉप हो रही है। तो इस तरीके से एक SQLite डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्लास में। मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे हम जो हमारे ऑपरेशन रहते हैं इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन, किसी डेटा को इंसर्ट करना डिलीट करना अपडेट करना, इसके लिए क्वेरी लिख सकते हैं डेटाबेस क्लास में।
Thank you.